मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से आईटीआई ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे कि आपको साइन बार होता क्या है, साइन बार कौन से धातु की बनी होती है, साइन बार की लिस्ट काउंट क्या है, साइन बार की साइज क्या है, साइन बार की बनावट कितनी होती है और कितने के सूत्रता में वह उसकी बनावट होती है, प्रिंसिपल क्या है और उसको बाद साइन बार कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इस सभी के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बारीकी से इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहें और अच्छी तरह इसको देखें। देखिए, आप यहाँ ध्यान देंगे कि आप यहाँ जो एक फिगर जो हम बना चुके हैं साइन बार का, इस साइन बार के बारे में हम लोग अच्छी तरह पहले जानते हैं और उसको बाद साइन बार के बाद उस साइन बार का वर्क क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, यह जो आप देख रहे हैं साइन बार, यह साइन बार जो होता है यह एक बारीक के कोण मापने वाला औजार है, जो यह एक प्रिसिजन कोण मापने वाला औजार है, जो यह एक मिनट की सूत्रता में कोण मापता है, एक मिनट की सूत्रता में यह कोण मापता है। और उसके बाद यह पता होना चाहिए कि साइन बार की जो होते हैं, जो एक मिनट की जो कोण सूत्रता में कोण मापता है, इसकी साइज जो होता है 100 mm, 200 mm, 250 mm और 500 mm तक होता है। इसकी साइज जो होता है, इसकी जो साइज आपको दोनों रोलर की सेंटर की दूरी से ली जाती है, इसकी साइज आपको दोनों रोलर की सेंटर की दूरी से ली जाती है, जिसका साइज होता है 100 mm। ठीक है, 100 mm, 200 mm, 200 mm, 250 mm, ठीक है, 300 mm और 500 mm होता है, 500 mm तक होता है, 500 mm तक इसकी साइज होता है, जिसमें आपको यह रोलर का सेंटर है और यह रोलर का सेंटर है। तो एक रोलर के सेंटर दूसरी रोलर के सेंटर की दूरी से आपको इसकी साइज ले जाती है। तो यह हो गया आपको उसकी जो साइज कैसे ली जाती है और साइज कितनी होती है, कितनी साइजों में वह यह उपलब्ध होते हैं। तो साइन बार कौन से धातु की बनी होती है? टूल स्टील या स्प्लाइज क्रोमियम स्टील की यह बना होता है। साइन बार आपको टूल स्टील या स्प्लाइज क्रोमियम स्टील के यह बना होता है और यह बहुत ही आपको शुद्ध मापी यंत्र है, जो एक मिनट की सूत्रता में कोण मापता है। ठीक है, देखिए, यहाँ जो इम्पोर्टेंट मैटर है, जो यहाँ जो आप सुराख किया हुआ है, यह सुराख किस लिए किया होता है? तो इससे साइन बार के ऊपर आपको जब को रख कर आपको बांधा जाता है, ताकि यह सुराख आपको बांधने में सहयोग करता है, जिसके वजह से यह सुराख किया होता है। ठीक है, इस तरह से आपको जो देख रहे हैं इसकी बनावट जो होता है, इसकी बनावट सरफेस की जो बनावट है वह 0.01 mm से आपको 0.0001 mm तक इसकी सूत्रता होता है सरफेस की। ठीक है, इस सरफेस की जो सूत्रता होता है यह होता है 0.001 mm से 0.0001 mm तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सूत्रता होता है। अब देखते हैं कि साइन बार की जो वर्क होता है वह क्या होता है। ठीक है, साइन बार की वर्क के बारे में हम लोग समझते हैं, साइन बार की वर्क क्या होता है। ठीक है, ध्यान देंगे कि साइन बार जो होता है कि त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर कार्य करता है। साइन बार आपको त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर कार्य करता है, जो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यह साइन बार है। ठीक है, और यह साइन बार जो होता है, जैसे कि यहाँ आप जो देख रहे हैं यह लंब के रूप में यह साइन बार है। ठीक है, इस पर आपको यह जब रखा हुआ है, यह साइन बार है और यह आपको स्लिप गेज है। ठीक है, स्लिप गेज है, तो यह आपको देख रहे हैं कि क्या है कि यह आपको एक त्रिकोणमितीय सिद्धांत काम कर रहा है, जो यह लंब है, लंब का काम हो गया, यह जो स्लिप गेज जो आप देख रहे हैं कि यह लंब का काम कर रहा है और यह कर्ण का काम कर रहा है, जो आप जो देख रहे हैं यह साइन बार जो कर्ण का काम कर रहा है।
और इसके थीटा जो होता है, जो इसका कोण निकालना होता है, जो जब का कोण निकालना होता है, तो इसको थीटा निकालना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्लिप गेज, उसको बाद आपको साइन बार, और साथ में आपको सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट पे यह इसका चेक किया जाता है, तो सरफेस प्लेट भी होना चाहिए। उसको बाद आपको वर्क पीस को सेंटर में क्षैतिज अवस्था में लाने के लिए, यह क्षैतिज अवस्था है, ठीक है, जो क्षैतिज अवस्था में लाने के लिए आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी डायल टेस्ट इंडिकेटर और यहाँ भी मापांक आपको एक समान होना चाहिए, अर्थात क्षैतिज अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्षैतिज अवस्था में यदि होता है तो आप इसको कोण निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको साइन बार की आपकी लंबाई जो देख रहे हैं कि साइन बार की लंबाई कितनी है, तो 100 mm, और आप यहाँ जो देख रहे हैं कि यह स्लिप गेज की जो लंबाई, स्लिप गेज की जो देख रहे हैं कि मोटाई कितनी है, सभी टोटल स्लिप गेज की, जिसमें आपको देख रहे हैं 86.78 आपको mm है, ठीक है। जिसमें आपको कोण निकालने के लिए, जो कोण निकालने के लिए आप ध्यान दे देंगे कि कोण कैसे आपको निकाला जाता है, तो इसमें साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, जिसमें जो कर्ण होता है, जो लंब जो आप देख रहे हैं कि क्या है 86.78 mm होता है, और आपको कर्ण देख रहे हैं कि 100 mm है, तो आप ध्यान देंगे कि इसको 100 से डिवाइड कर, ठीक है, स्लिप गेज को, स्लिप गेज की मोटाई को आपको कर्ण से, जो आप साइन बार की जो आपको जितना लंबाई होगा वह आपको कर्ण होता है, तो साइन बार की लंबाई से स्लिप गेज की जो मोटाई होता है उसमें डिवाइड करने के बाद आपको जो आता है उसको चार्ट से देखा जाता है कि चार्ट से किस प्रकार से आपको है, ठीक है। जो चार्ट से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको साइन थीटा के जो कोण आया, जो थीटा का जो मान आया वह कितना है, कितना डिग्री है, ठीक है, और कितना मिनट है। तो आपको साइन चार्ट को देखना पड़ेगा और उसको बाद आपको कोण को पता चलेगा कि वह कितना आपको कोण है, जो साइन थीटा में वह जो निकालें उसका चार्ट से देखने के बाद आपको मिनट में कितना है और डिग्री में कितना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होता है, साइन बार का उपयोग होता है, जो साइन जब की कोण को चेक करने के लिए आप इसका प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ जो देख रहे हैं कि रोलर है, और यह स्लिप गेज है, और यह वर्क पीस है, और यह डायल टेस्ट इंडिकेटर है, और यहाँ सरफेस प्लेट है। तो इतना आपको इक्विपमेंट, जो इतना उपकरण आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उपकरण होता है तो साइन बार का उपयोग आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे साइन बार का उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उपयोग करते हैं, और साइन बार का आप जो देख लिए कि साइन बार की जो देख रहे हैं कि किस तरह से आपको चित्र होता है, आपको बनावट जो होता है साइन बार का, जो आप देखें कि 0.001 mm से 0.001 इंच तक, 1 mm तक होता है, जिसमें आप यहाँ देखें कि 0.001 mm से 0.001 mm तक इसकी सुत्ता में यह बना होता है इसकी सरफेस। और यह जो होते हैं आपको टूल स्टील या स्प्लाइज क्रोमियम स्टील की यह बना होता है साइन बार, ठीक है। उसको बाद इसकी साइज जो ली जाती है दोनों रोलर की, आपकी लंबाई से दोनों रोलर की सेंटर की दूरी से इसकी साइज ली जाती है, जो 100 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm और 500 mm तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि इसके सिद्धांत जो होता है, जो त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर कार्य करता है, जो अभी अभी आप देखें कि वर्क जो होता है किस हिसाब से होता है, और यह आपको लंब कर्ण का काम कर रहा है, और यह लंब का काम कर रहा है, और यह त्रिकोणमितीय आधार बन रहा है यह सरफेस प्लेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे यह साइन बार कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका सिद्धांत भी जान गए, और उस यह जो होते हैं एक मिनट की सुत्ता में कोण मापने का कार्य करता है। तो चलिए, तो इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।